हे गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस। गाइज, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है आज से, और उस सीरीज का नाम होगा FT, जिसका नाम है FonTalks। गाइज, इस सीरीज में हम आपको नए नए आने वाले स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस, उनके रिव्यूज़ और उनके अच्छाई और बुराई को हम कंपेयर करके बताएंगे, और क्या खास है, क्या उसमें गलत है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ का ये वाला वीडियो पहला वीडियो गाइज, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा POCO F1 के बारे में। तो हमें से काफ़ी दोस्तों को अभी तक तो POCO F1 के बारे में पता चल ही गया होगा। अगर अभी भी नहीं पता चला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। छोटी वीडियो है लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज, हमें से काफ़ी को पता चल ही गया होगा कि Xiaomi का एक सब ब्रांड नया आया है जिसका नाम है POCO, और POCO का जो फ़ोन है, पहला फ़ोन है, वो है POCO F1। तो इस फ़ोन के अंतर्गत क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगी, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी बहुत जल्द। ये फ़ोन रिलीज़ होगी 22 अगस्त इसी साल में। ग्लोबली कब रिलीज़ होगी ये पता नहीं, इंडिया में तो 22 अगस्त को रिलीज़ होगी। और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है और जो इसकी रूमर्स है, इसके हिसाब से तो ये फ्लैगशिप फ़ोन होगी, जो आने वाले बाकी फ्लैगशिप फ़ोन्स को, जो महंगे महंगे फ़ोन्स है विथ हाई स्पेसिफिकेशंस, उन सबको टक्कर देने वाली है। इवन ये फ़ोन OnePlus 6 को भी टक्कर देगी, जबकि OnePlus 6 फ्लैगशिप फ़ोन्स में नंबर 1 के पोजीशन में बैठा पड़ा है। तो हमें यह देखना है कि ये फ़ोन उस OnePlus 6 को बीट कर पाएगी या नहीं। गाइस, अभी के जो प्रेजेंट डे में फ्लैगशिप फ़ोन्स, जो महंगे फ़ोन्स है, उसमें जो नंबर 1 पोजीशन पे वो है OnePlus 6, जो काफ़ी लोगों के दिल जीत रखा है। और उसका जो स्पेसिफिकेशंस है, जो उसकी स्पीड है, मतलब टोटली हर चीज़ एकदम बेटर है, सबसे बेस्ट है। तो लेकिन जो Xiaomi कंपनी है, उन्होंने भी काफ़ी सारे फ़ोन्स निकाला है, लेकिन वो सिर्फ अंडर 20 मिड रेंज फ़ोन में ही नंबर 1 पे आया है। काफ़ी फ़ोन्स बिके भी है लेकिन कभी भी फ्लैगशिप फ़ोन में सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस बार ये देखना है कि ये POCO का जो सब ब्रांड है Xiaomi का, ये क्या कमाल धमाल दिखाती है। तो ये 22 अगस्त को ही पता चलेगा, इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, जो जितने भी रूमर्स है, वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसका जो प्राइस है 500 to $1,000 के आसपास होगा, 30,000 to 60,000 के बीच में इसकी प्राइस रेंज होगी। तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसमें हम बात करेंगे प्रोसेसर की, तो कौन सा प्रोसेसर होगा, ऑफकोर्स यार जो फ्लैगशिप फ़ोन है तो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट ही लगेगी ना, और जो ये फास्टेस्ट प्रोसेसर है अब तक का, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कि ये फ़ोन किस किस को बीट कर पाती है, और ये OnePlus से टक्कर लेगा एंड उसको बीट कर पाएगा ये या नहीं, ये देखना है हमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।